से चेहरे में बड़े बड़े पीले पीले फोड़े निकल रहे हैं। गाइस कहाँ कहाँ ज्यादा गर्मी पड़ा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपके एक नए जबरदस्त ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स आप लोग कैसे हो, आई होप आप लोग ठीक होंगे। अगर फ्रेंड्स आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए और ब्लॉग एंड तक देखिएगा। इस ब्लॉग में आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। हमारे इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में, हमें वहाँ पर जाकर फॉलो कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। तो ब्लॉग में बने रहिएगा। हमें जितना पानी नहीं आता गर्मी में उतना ही पानी यूज़ करती हैं। क्या करें, इतना दिन के बाद पानी आया है। पानी पर कम यूज किया करो। मम्मी तो पूरा बाल्टी भर के रख ली है ताकि पानी जाए। दो चार दिन पानी नहीं आता है तो भर के रखना तो पड़ेगा। पानी नहीं आता तो भर के रखना पड़ेगा ना पानी। तो फ्रेंड्स आप लोग अभी सोच रहे होंगे मम्मी इधर सीढ़ी पे क्यों बैठी हैं। मम्मी सीढ़ी पे इसलिए बैठी हैं क्योंकि हमारे नीचे वाले कमरे में नेटवर्क नहीं पकड़ता है और मौसी का फोन आने वाला है। अभी फोन कटा ही था तो बोल रही है अभी मैं वापस कर रही हूँ, इसलिए नीचे नेटवर्क नहीं पकड़ता है, इसलिए मम्मी इंतजार कर रही है बैठ कर। गाइस मेरे नीचे वाले रूम में ना नेटवर्क नहीं पकड़ता, एक भी आवाज नहीं। और नीचे मोटर भी चल रहा है तो आवाज भी क्लियर नहीं आता है। इससे ऊपर भी देखिए सीढ़ी पे बैठी है। किसी से भी बात करना होता है मम्मी से या किसी से भी बहन से तो मैं ऊपर वाले रूम में आती थी बात करती हूँ, तो बाहर बात करो बैठ कर। इतना ज्यादा गर्मी बढ़ गया है, गर्मी से चेहरे में बड़े बड़े पीले पीले फोड़े निकल रहे हैं। गाइस कहाँ कहाँ ज्यादा गर्मी पड़ा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं जैसे जाती हूँ इतना गर्मी लगता है, मेरा रोटी बनाने को तो मन नहीं करता। किसका किसका रोटी बनाने का मन नहीं करता आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। जैसे ठंडी नहीं पड़ा था ऐसे गर्मी रिकॉर्ड तोड़ दिया, बहुत ज्यादा गर्मी है गाइस। 52 डिग्री से ऊपर ही चल रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी है। गर्मी से एकदम चेहरा वेहरा बिल्कुल खराब हो जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये देखिए अभी मम्मी रेडी हो रही थी तो इधर मम्मी बोल रही हैं शीशा कितना धुंधला हो गया है, मैं वही चेक कर रहा था। ये देखिए कुछ ज़्यादा ही धुंधला हो चुका है, अभी 2-3 हफ्ते पहले ही साफ़ किए थे, बहुत जल्दी जल्दी गंदा हो जाता है। इधर मोटर चल रहा है फ्रेंड्स, इसलिए मुझे ऊपर से वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। फ्रेंड्स आप लोग सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आज मंगलवार है तो हम प्लान बना रहे थे कि हनुमान मंदिर चलेंगे। क्यों मम्मी? तो चलना है। अरे पापा टाइम से आ जाए। फ्रेंड्स वैसे हम आपको हनुमान मंदिर का वीडियो नहीं, हनुमान जी के दर्शन 8 बजे आते हैं, आपको हम हनुमान जी के दर्शन नहीं करा सकते हैं क्योंकि मंदिर में वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। पर इससे पहले हमने उस मंदिर में आपको वीडियो वो हनुमान जी के दर्शन कराया था, तो आज हम बहुत दिन बाद वहाँ फिर से जा रहे हैं। ऐसे नहीं पापा टाइम से आ जाएंगे, हमेशा तो लेट आते हैं, देखते आ जाते हैं कितने टाइम से, बहुत लेट हो जाता है जाने में क्योंकि यहाँ से बहुत दूर है। 9:30 बजे तक खुला रहता है ना। हाँ 9:30 जल्दी, लेट नहीं, ज़्यादा जल्दी नहीं है, पहुँचने में टाइम लगता है। हमारे ना कहते हैं कि अपना हर चीज़ छोड़ कर आओ, जब टाइम मिले इनके दरबार में पहुँच जाओ दर्शन के लिए। हाँ ये बात तो है। और इधर फ्रेंड्स हमेशा की तरह हमारा कूलर का, आप सोच रहे होंगे इन लोग के कूलर में कितना प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आप, ये देखिए ये भी टूट गया पत्ती इसका, इसके बाद ये जब टूट गया पत्ती इसमें लड़ गया। ये देखिए आपको ये पूरा टूट गया है, यहाँ से पूरा पानी लीक होने लगा था। तो आज पापा सामान लेके आएंगे, इसे उसको जोड़ने की कोशिश करेंगे एपॉक्सिल से। फ्रेंड्स वैसे आपके अगर कोई प्लास्टिक का फाइबर का आपके पास अगर कूलर है, अगर ये हो जाता है प्रॉब्लम तो क्या करना चाहिए कमेंट में जरा बताइएगा। A few moments later हो गए, बस इनके पापा आते होंगे क्योंकि हनुमान जी का दर्शन तो हर हफ्ता करना चाहिए, बाकी हो नहीं पाता है। महीना में एक बार तो चली जाते हैं 15 दिन पे, बाकी हफ्ता में एक दिन तो जरूर जाना चाहिए हनुमान मंदिर। बस आज हम लोग का प्लान है हनुमान मंदिर दर्शन करने के लिए। तो हमें खाना रेडी है पर? बस सारा सब कुछ हो गया है, रेडी हो गया, बस पापा आते होंगे, बस निकलने 8 बजने वाला है ना। हाँ तो आते होंगे, फटाफट जल्दी जल्दी काम कर लें, बस आधा तो हो गया, बस 4 रोटी सेकना है, बस जल्दी जल्दी सेक ले। तो गाइस आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। मम्मी ये क्या काला नमक तुम ऐसे ही रखी हो, उसे ढक दो ना। देखिए इसका ढक्कन खो गया, दीपावली मम्मी इससे ढकी है, दीपावली के सफाई में इसका ढक्कन खो गया, इस वजह से जो है अभी इसको कर दिए। तुम छोटे छोटे चीज पर ध्यान मत दिया करा यार, दिख जाता है तो बोल देता हूँ। तुझे गुस्से में तो दिमाग काम करना बंद हो जाता है क्योंकि इतना ज्यादा गर्मी है, किचन में जैसे लगता है कि आग भभक रहा है बिल्कुल। फ्रेंड्स गर्मी पे तो कॉमेडी शॉर्ट्स बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं, आप हमने भी अपने चैनल पे डाला है, आप लोग जाके जरूर चेक कीजिएगा। तो गाइस मैं नहा कर आ गई हूं तो कितनी गर्मी था गाइस, सुबह नहाई थी इतना ज्यादा गर्मी लग रहा था, मैं अभी भी नहा कर आई हूं। खूब देखिएगा, खूब हंसिएगा उसे देख देख कर, आपको खूब बहुत मजा आएगा हमारी कॉमेडी।
फ्रेंड्स आपसे हमें एक बात कहनी थी कि हमारे ब्लॉग पे बहुत ज़्यादा कम व्यूज रहता है, सो प्लीज़ फ्रेंड्स हमारे ब्लॉग पे सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, अपने भाई बंधु के पास भी शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स। हाँ गाइस बहुत मेहनत लगता है, आप लोग आप सपोर्ट के बिना गाइस कुछ होने वाला है नहीं। हमारे ब्लॉग पे बहुत कम व्यूज होता है फ्रेंड्स, आप लोग सपोर्ट करिए। आते हैं गर्मी में ना चींटियां बहुत लगती हैं, महीन महीन इतना चींटी लगती हैं स्लीपर पर, ठंड की वजह से लग रहा है बहुत ज़्यादा, इतना मैं डालती हूँ हाथ हाथ पे भी चढ़ जाते हैं। तो मैं लक्ष्मण रेखा यूज किया करो ना। करते तो हैं, कहाँ कहाँ लगाएं, बहुत ज़्यादा लगता है चींटी ठंड की वजह से। तो फ्रेंड्स आप लोग ब्लॉग में रहिएगा। A few moments later. तो फ्रेंड देखिए पापा ऑफिस आ गए हैं, अभी फ्रेश हो गए, नहा लिए हैं। अरे नहा कर देख रहे, रात में भी जा रहे हैं तो बाल झाड़ रहे हैं, बताओ तो सही तो कर रहे हैं, बाल झाड़ के ही जाना चाहिए। रात में बाल झाड़ रहे हैं, अरे हाथ से ऐसे कर ले, बिना नहाए जाऊं क्या? हम तो नहीं करे बिना नहाए जाओ, सुबह तो नहाए थे ना, तो नहाए तो अच्छा किया, गर्मी है, बाल क्रीम कहाँ लग रहा है। आज मंगलवार हनुमान जी का दिन है, तो आज प्लानिंग थी मंदिर जाने के लिए, हनुमान जी का दर्शन करने के लिए। मैं कितना भी जल्दी करता हूँ लेट तो हो ही जाता हूँ, लेकिन मैं आया हूँ, फिर भी ये लोग तैयार नहीं थे, जैसे मैं तैयार हुआ इस साथ में ये भी तैयार हुई। गाइस झूठ बोल रहे हैं, आपसे बोले थे ना कि हम तैयार बैठे हैं, आए हैं तो नहाए हैं, पानी पिए हैं, आराम किए हैं, तो टाइम नहीं लगेगा। फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा और व्लॉग ढेर सारा शेयर कीजिएगा। बाय।